subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक और एग्जांपल देखते हैं अब हम. इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. ए बी और सी डी पैरेलल है और सी डी और ई एफ पैरेलल. ई ए जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है. ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ओके, हमें ये प्रूव करना है कि अगर बी एफ 55 डिग्री है तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या होंगी. सो वाई प्लस 55 हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बना रहे हैं ईडी के. वाई एंड 55 ये एक ट्रांसवर्सल है सीडी और ईएफ के लिए. सो वाई की वैल्यू आ गई 125. एक्स और वाई आपस में इक्वल है, एक्स एंड वाई, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं. सो एक्स की वैल्यू आ गई 125. अब क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो अल्टीमेटली ए बी और ई एफ पैरेलल हो गए. तो ई ए बी और एफ ई ए को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा. ई ए बी दिस एंगल, ई ए बी एंड एफ बी ए, एफ ई ए सॉरी, ये वाला एंगल अगर इनको हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये भी सेम एंगल्स है इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के. तो 90 प्लस जेड प्लस 55 आ गया हमारे पास 180, जिससे जेड की वैल्यू आ गई 35 डिग्री.